बढ़ते उच्चायोग का ये ट्वीट इस समय चीन में जबरदस्त तबाही ले आया है। एक्स पर चीन में भारतीय उच्चायोग के हैंडल से लिखा गया ये केवल एक शब्द चीन को बहुत चुभ रहा है। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है जो दिनों दिन भारत की ताकत और क्षमता को बढ़ा रहा है। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है। सर, आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। उसी के साथ में आज से मुनीर पाकिस्तान के क्या बोलूंगी हुजूर आला का ताबड़तोड़ बयान और सो मच हो कि उन्होंने एक्सरसाइज रख दी बॉर्डर के ऊपर। चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन, और अमरीका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आखिर, इनका मैटर क्या है। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि हमारा मेन जो चैलेंज है वो तो चाइना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अग्नि 5 है इसकी रेंज 5000 से 8000, इट मीन्स इट्स नॉट पाकिस्तान, ठीक है। अदरवाइज जो अग्नि 2, 3, 4 थे वो भी मौजूद हैं, उनकी रेंज कम है तो वो पाकिस्तान को कवर करते थे। वो एक मिलिटरली बिगर कंट्री देन पाकिस्तान, $70 billion एनुअली वो स्पेंड करते हैं, हम मेरा ख्याल है $10-11 billion स्पेंड करते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हमारा वो है, 1:7 का डिफरेंस है। दूतावास ने अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण की खबर चीन के घर घर तक पहुंचा दी है। चीन अपने हारने की खबर अपने नागरिकों तक पहुंचने नहीं देता, लेकिन इस बार ये काम चीन में भारत के दूतावास ने कर दिया। ये एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, इससे भारत की जो क्षमता और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है, स्पेशली चीन को लेके। फंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए ऐसे, शायद अभी भी आ चुका है। चाइना की मुझे समझ में आ रही है कि वो इसलिए बोलेगा क्योंकि जो एक रेंज उस मिसाइल की बनाई गई है वो आई थिंक स्पेसिफिकली चाइना को ही टारगेट किया। ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में, और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया अब इस वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अग्नि 5 के सफल परीक्षण ने जहां भारत को सबसे बड़ी उपलब्धि दी, वहीं इस परीक्षण ने भारत की बढ़ती क्षमता से चीन को जबरदस्त झटका दिया है। और ये झटका जोरदार इसलिए भी था क्योंकि प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद चीन की धरती से भारत ने एक ऐसा धमाकेदार ट्वीट किया जिसका एक शब्द ही चीन को परमाणु मिसाइल की तरह महसूस हो रहा है। चीन में भारतीय उच्चायोग के पेज से प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट कर केवल एक शब्द लिखा गया था, वो था दिव्यास्त्र। अग्नि 5 दिव्यास्त्र ने यकीनन चीन को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि चीन ये समझ गया कि ये केवल ट्वीट नहीं बल्कि उसी की धरती से उसे सीधी चुनौती है कि भारत की चीन के खिलाफ उसका जवाब कितना घातक होने वाला है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को बधाई दी थी और इसी के साथ दुनिया भर में भारत के इस दिव्यास्त्र की चर्चा होने लगी। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मजे की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स दैट इंडियन वुमेन आर एट पार व्हेन इट कम्स टू मेन इन द इंडियन इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मजे की बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी, और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में,
और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया अब इस वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि फाइव की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूं कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं, और हर जो जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये कुछ सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस, इसकी क्या जो है वो लॉजिक क्या है, और उनके कौन इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंडिया और चाइना में जो पावर्स है वो, और कुछ न कुछ तो उनके डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, इंडिया एक राइट है उस लिहाज से सोचे, लेकिन फॉर नाउ और फॉरसीएबल फ्यूचर में आप उनका पोस्चर देखें इंडिया का, इवन ये मर्व की बात करते हैं, चूंकि रिपोर्ट्स तो पिछले भी हैं कि इन्होंने अग्नि प्राइम एक जो है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है उस पर ये टेस्ट कर चुके हैं मर्व पहले, लेकिन इस मरतबा क्यों मोदी साहब ने उसको वो किया है, एक ट्वीट किया और उसको ब्रैंडिश किया, तो वो तो इलेक्शंस वाला आ गया, और सेकेंडली वो एक्सटर्नल ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे थे कि हम आप हमें और हेल्प करें, हम चाइना के अगेंस्ट और कैपेबिलिटीज बनाएंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वो इंडिया को मिलिटरली इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनकी टेक्नोलॉजी में। है कि अग्नि फाइव का जो रेंज है जो भारत ने बताया वो गलत है और एक्चुअली इसका कहीं ज्यादा है, ऐसा क्यों कह रहा है चाइना? दोस्तों ऐसा है कि 12,000 किलोमीटर चाइना को स्ट्राइक करने के लिए हमें 12,000 किलोमीटर नहीं चाहिए, जो हमारा 5 से 8 है दैट इज गुड इनफ फॉर चाइना। चाइना का हर एरिया कवर हो जाता है, आराम से मोहब्बत से कवर हो जाता है, और बटन दबाते ही चाइना के 5 शहरों को एक साथ हम गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन भारत और चीन की दुश्मनी है, और ये तो अमरीका और यूरोप के लिए अच्छी बात है अगर भारत और चीन लड़े, और चीन भी चाहता है भारत से लड़े, भारत फिर जवाब देता है चीन को जब चीन अपनी औकात से बाहर निकल जाता है। भारत कहता है हम शांतिप्रिय हैं लेकिन मार मार के तुम्हें भी दुम्बा बना देंगे जैसे तुम्हारे लड़के पाकिस्तान को हमने मार मार के दुम्बा बनाया था। हैविंग सेड दैट द प्रॉब्लम हियर इज डिफरेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई जो चाइना है ये क्यों 13,000 कह रहा है? कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत दूर है? वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है कैनेडा, नॉर्थ अमेरिका में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिका की बात कर रहे हैं, और चाइना वाले ये सब बातें कर रहे हैं कि देखो इस मिसाइल से सिर्फ चाइना को खतरा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं इसका ये रेंज है, इससे आपको भी खतरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।